हेलो एवरीवन, आईवीटीवी क्लास में आपका स्वागत है। यानी कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोग स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ पीवी सिस्टम के बारे में। पीवी सिस्टम पर टाइप्स के बारे में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, ऑफ ग्रिड सिस्टम पढ़ लिए थे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम को ही कवर कर लिया, और ऑन ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने, चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे नेट मीटर हो, उनको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तीसरे सिस्टम के बारे में। तीसरा सिस्टम है जिसका नाम है सोलर हाइब्रिड सिस्टम। आखिर सोलर हाइब्रिड सिस्टम होता क्या है, सोलर सिस्टम हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, कि हाइब्रिड टर्म क्या करने के लिए यहाँ पे आया है। तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है क्या, जैसे देखिए कुछ भी कहते हैं मार्केट में, कहते हैं हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड का मतलब होता है मिलावटी एक तरह से। यानी कि यदि हम सोलर पावर सिस्टम में कोई और पावर सिस्टम को मिला देंगे तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कह देते हैं हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास सोलर पावर सिस्टम है और हम इसको मिला देते हैं एक डीजल पावर प्लांट से, डीजल पावर प्लांट मिला दिए तो ये बन जाएगा क्या, हाइब्रिड सिस्टम बन जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग वाइंड से मिला दें तो वाइंड पावर चक्की लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइंड टरबाइन भी लगा दिए हैं, यानी कि वाइंड पावर प्लांट भी लगा दिए हैं और सोलर पावर प्लांट भी लगा दिए हैं, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड सिस्टम बन जाएगा। यानी कि वैसे क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम का परमिशन होता है। मतलब हाइब्रिड सिस्टम का मतलब होता है क्या चीज़, कि एक से अधिक पावर प्लांट वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है क्या, सोलर हाइब्रिड सिस्टम, और सोलर हाइब्रिड सिस्टम में भी हम लोग को पढ़ना है सोलर वाइंड हाइब्रिड सिस्टम। सोलर वाइंड हाइब्रिड सिस्टम का मतलब हम क्या हो जाता है कि ये तो हाइब्रिड तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिला हुआ तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे साथ में कौन सा पावर प्लांट मिला हुआ होगा, तो सोलर वाइंड पावर प्लांट यहाँ पर मिला हुआ होगा। यानी कि जैसे ही वाइंड पावर प्लांट ले लेते हैं और सोलर पावर प्लांट में क्या कहते हैं, जैसे बड़ा सा एक सोलर पावर प्लांट बना दिए, सोलर पावर प्लांट तो हम लोग जानते हैं कि कई हज़ार हेक्टेयर जमीन में सब बनता है, तो क्या होता है, उतना बड़ा जमीन में क्या होता है कि जहाँ जहाँ जमीन थोड़ा सा ज़्यादा खाली होता है तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, पवन चक्की लगा देते हैं। और पवन चक्की लगा देने के कारण क्या होता है, वो क्या होता है कि उसके साथ यानी कि सोलर के साथ मिलकर काम करने लगता है। पवन चक्की हवा से बिजली बनाएगा और सोलर जो है वो क्या से सनलाइट से बनाएगा, दोनों कंडीशन में। अच्छा, तो सोलर वाइंड पावर प्लांट क्यों हम लोग लगाएं, क्यों लगाएं, देखिए हम लोग दिन के टाइम में क्या करते हैं, दिन के टाइम में धूप होता है, तो धूप होने के कारण क्या होगा, जो सोलर पावर प्लांट है, जो सोलर पावर प्लांट, वो क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा और बिजली देगा, बिजली बनाया और लोड को बिजली दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में क्या होगा कि जैसे ही शाम होने लगेगा तो रात होने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोलर पावर प्लांट काम नहीं कर रहा, लोड को अब सप्लाई देगा कौन, मान लेते हैं कि उस कंडीशन में ग्रिड, मतलब कि जो इंटर जो स्टीम पावर प्लांट का हाइड्रो पावर प्लांट ये सब जो ग्रिड है उस दौरान वहाँ पे नहीं है, बहुत दूर है वो सब, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं तो लोड को सप्लाई कौन देगा, तो उस कंडीशन में डेवलप किया गया क्या, वहाँ पर लगाया गया वाइंड पावर प्लांट। क्योंकि वाइंड पावर प्लांट रात, ऐसा थोड़े रात में हवा नहीं चलता है, वहाँ पर क्या था, वाइंड पावर प्लांट लगा देते हैं और हवा जब चलती है तो हवा चलने के कारण वाइंड टरबाइन घूमता है, वाइंड टरबाइन घूमने के कारण क्या होता है, बिजली बनता है, और उस बिजली से यानी वाइंड पावर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, रात के समय उसको फुलफिल करते हैं। तो ऐसा नहीं वाइंड पावर प्लांट दिन में काम नहीं करेगा, वाइंड पावर प्लांट अगर जब हवा चलेगा तब काम करेगा। जनरली ये देखा मतलब कि इसलिए इसको बनाया गया है कि दिन के टाइम में यदि सूर्य जो है बिजली देती है और रात के टाइम में सूरज जो है सनलाइट अगर नहीं रहेगा तो कौन बिजली देगा, तो इसीलिए वहाँ पर वाइंड पावर प्लांट को भी लगा दिया गया कि रात में वाइंड पावर प्लांट उसको सप्लाई देगा। दोनों क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, दोनों में क्या होगा, ऑपरेशन कॉस्ट उतना लगेगा नहीं, इसलिए क्या किया गया, सोलर को कैचिंग के साथ मिला दिया गया, वाइंड के साथ मिला दिया गया, और वाइंड के साथ मिला देने के कारण क्या हो गया कि बिजली को प्रोड्यूस किया गया और दिन में भी दिया गया, दिन में सोलर से काम करेगा, ऐसा नहीं कि टरबाइन नहीं का, मतलब कि जो वाइंड टरबाइन वो नहीं काम करेगा, वो भी काम करेगा, लेकिन रात के टाइम में जब सोलर काम नहीं करेगा तो वाइंड क्या करेगा, उसको एनर्जी देगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब हमको समझते सर कि डायग्राम है छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा सोलर एरे है, सोलर एरे का मतलब है कि बहुत सारे सोलर पावर प्लांट को लगा दिए, उस सोलर पावर प्लांट जब बिजली आया मतलब कि क्या होगा, डीसी पहुंचेगा, और उसी तरह यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक नीचे वाइंड टरबाइन लगा देते हैं, वाइंड टरबाइन का मतलब एक नहीं बहुत सारा पवन चक्की लगा देते हैं जगह जगह पे उसी में उसी स्पेस में, ऐसा नहीं कि कोई अलग से स्पेस लेते हैं, उसी स्पेस में हम लोग क्या कर देते हैं, और कोई स्पेस छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा स्पेस होता है, तो उसी स्पेस का मतलब है इसमें कुछ छोटा सा घुसा दिया, बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाइंड टरबाइन लगा देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सब जगह लगा सकते हैं, वाइंड पावर प्लांट लगाने का कुछ कंडीशन आप लोग जानते होंगे क्या, कि वहाँ पे हवा सही ढंग से होना चाहिए, स्पीड सही ढंग से होना चाहिए, हवा का डेंसिटी सही होना चाहिए, टोपोग्राफिकल एरिया अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ आप लोग वहाँ देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे वाइंड पावर प्लांट, तो वाइंड पावर प्लांट का भी क्या कंडीशन होना चाहिए वहाँ पे, ये नहीं कि वहाँ पे सोलर पावर प्लांट तो जरूरी है कि वहाँ पे वाइंड पावर प्लांट लगा ही लगाएं, जरूरी नहीं है, अगर उस फैक्टर पर वहाँ पे हवा चल ही नहीं रहा तो वाइंड पावर प्लांट लगा के फिर क्या करेंगे, खाली सोलर से बिजली बनाएंगे, वाइंड पावर प्लांट रखा रहेगा मतलब क्या होगा, लो कॉस्ट लगा दिए हैं, वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एरिया देख लेते हैं कैसा एरिया है, वहाँ पर लगाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट से बिजली बना और वैसी
अभी और बाइंड पावर से बिजली बन रहा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो दोनों को ला करके हम कहाँ जोड़ते हैं, जिसका नाम है ECC। ECC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट। अब ये समान है कि इसका ही पावर वेरी कर रहा है, इसका भी कुछ पावर वेरी कर रहा है, तो सबको कंट्रोल तो करना है ना, एक रेगुलेट करना है, एक सही ढंग से लाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं सही ढंग से उसको कनेक्शन करना है, बाइंड का बाइंड पावर का एनर्जी आ रहा है, सोलर का एनर्जी आ रहा है, उसको सही ढंग से मिलाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ECC का यूज करते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सर्किट होता है, जो क्या कहता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब जैसे ही क्या होगा कंट्रोल करने का काम होगा, यहाँ पर जो समझता है जो पावर DC आता है, यदि DC लोड का हमको जरूरत है, यदि हम लोग DC लोड लगाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली हम यहाँ से पावर लेके DC को दे देंगे, रेगुलेटर यहाँ से आ ही रहा है, DC को डायरेक्टर को पावर दे देंगे। अब उस कंडीशन में दूसरा कंडीशन होता है कि हम लोग AC लोड को देना है, तो बीच में हम क्या करेंगे इन्वर्टर को पास करेंगे, और इन्वर्टर किसको फिर दे देगा, लोड को दे देगा, यानी कि जो AC लोड है AC लोड को दे देगा, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर देख लीजिएगा कि कैसे यहाँ पर पावर उसको पहुँच रहा है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि हमको 20 मतलब कि जो ऐसा करने से फायदा मतलब क्या कि जो सोलर के साथ वाइंड पावर प्लांट लगा देते, इससे फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा जी कि हमको 24 आवर सप्लाई मिल जाएगा, कितना आवर 24 आवर सप्लाई मिल जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमको रिलायबिलिटी मिल जाएगी, रिलायबिलिटी मिल जाएगा। तीसरा बात यहाँ पे होगा कि जो हम लोग सोलर पावर प्लांट में जो जमीन ऐसे ही वेस्ट हो रहा था जहाँ पे खाली था, वाइंड पावर प्लांट कहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे खाली जमीन है, तो जो वेस्ट जमीन हो रहा था उस वेस्ट जमीन को हमें क्या करनी है यूटिलाइज करनी है, यानी कि इसका इतना सारा फायदा भी है कुछ घाटा भी है, ऐसा नहीं कुछ घाटा नहीं है। हाँ इसमें एक और बात होता है कैची कि इसमें हम लोग ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं, अगर ग्रिड से कनेक्शन ही रखते थे ऑन ग्रिड सिस्टम हो जाता या नहीं एकदम हो जाता, तो हमको ग्रिड से कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि कभी रात का टाइम हो गया और सूरज तो होगा नहीं, यानी कि ये पावर प्लांट यानी कि जो सोलर पावर प्लांट है वो तो काम करेगा नहीं, तो काम करेगा उस कंडीशन में कौन, वाइंड पावर प्लांट। अब वाइंड पावर प्लांट में ये भी होता है क्या चीज़ कभी कभी हवा नहीं चलती है, यदि उस कंडीशन में हवा नहीं चल रहा है तब लोड को सप्लाई कौन देगा, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी क्या करता है यदि उस कंडीशन में दोनों ऑप्शंस होते हैं, यानी कि ना ही सोलर होता है ना ही वाइंड होता है, यानी कि दोनों पावर प्लांट जब काम नहीं कर रहा होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बैटरी का जो सप्लाई होता है उसको यूज करते हैं। ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि बैटरी भी खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन से लास्ट में बचने के लिए हम लोग यहाँ पे इंजन जनरेटर को लगा देते हैं। इंजन जनरेटर क्या काम करता है, इंजन जनरेटर क्या करता है जो बिजली बन रहा है, इंजन जनरेटर जो क्या काम करता है जो बिजली बन रहा है इंजन जनरेटर मतलब कि इंजन जनरेटर क्या काम करेगा, इंजन से चलने वाला जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा कि उस कंडीशन में बैटरी को भी चार्ज करेगा और लोड को भी सप्लाई देगा। ये रेयर कंडीशन आता है जब इंजन जनरेटर की जरूरत पड़ जाए, मतलब इंजन जनरेटर का जरूरत पड़ जाए ये बहुत ही रेयर कंडीशन आता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हमको बैटरी से सप्लाई मिल जाता है, या उससे ही पहले क्या हो जाता है सोलर से ही और इससे पॉइंट से ही सप्लाई मिलते रह जाता है, यानी कि ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसमें क्या होता है कुछ खामियां भी है, खामी क्या है यानी कि सर डिसएडवांटेज क्या है कि बैटरी लगा देने से थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा बात होता है क्या जी कि कॉस्ट बैटरी लगा देने से क्या हो रहा है कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा बात क्या होता है कि बैटरी के साथ साथ इफिशियंसी, जैसे बैटरी पुराना हो जाएगा उसका इफिशियंसी भी तो घटते जाएगा, ये होने लगता है। फिर इसी का जब दोनों ऑप्शंस हो जाएगी तो फसल लाइट कंडीशन मतलब कि सीधा सीधे एक बैटरी का यूज हमको पड़ जाता है, उसके यहाँ हो जाता है। फिर क्या हो जाता है कि ये जो पावर प्लांट है और ये पावर प्लांट, ये दोनों पावर प्लांट को जब लगाते हैं, मतलब पहले सोलर खाली लगाते हैं बाद में हम उसमें क्या लगा रहे हैं बाइंड भी लगा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कॉस्ट बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है, कॉस्ट यहाँ से इंक्रीज कर जाता है, यानी किसका क्या होता है थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, इफिशियंसी बैटरी के साथ घट जाता है। अब जैसे जैसे इक्विपमेंट लगाए हैं वैसे वैसे उसका मेंटेनेंस भी चाहिए होगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है, मेंटेनेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे रिलायबिलिटी बढ़ जाता है, स्पेस कम स्पेस लगे ये सारा इक्विपमेंट हो जाता है, ये सब एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ये हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी इसका जो प्रॉपर नोट्स है आपको जल्दी ऐप पर दे दिया जाएगा, ऐप पर आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।